Assalamualaikum दोस्तों, your wildlife guide Kanwar is here again. And today I will tell you about duck-billed platypus. Okay. This is a duck-billed platypus and it is the most weirdest creature on earth. Weirdest? Yes. Weird क्यों है? क्या खास बात होगी इसकी यार? क्योंकि ये mammal है and it lays eggs. अच्छा mammal है और ये एक अंडे देता है. वाकई weird है ये. Usually क्या होता है वैसे? वैसे मैमल यूजुअली बर्थ देते हैं अपने बच्चों को. लेकिन ये एग ले करता है. वाओ ये वियर्ड है. वो यू मैमल्स तो बच्चों को दूध भी पिलाते हैं ना? हाँ ये भी दूध पिलाते हैं. अच्छा ये दूध भी पिलाता है. ठीक. इसका नाम अजीब सा है, ये किधर से इसको मिल गया? इसका नाम अजीब है कि ये मिक्सचर है क्रीचर्स का, डक का, बीबर्स का, ऑटर्स का. अच्छा ये ऑटर की तरह लंबा होता है लेकिन फैट होता है, इतना लंबा भी नहीं होता. इसकी डक लाइक बिल होती है और टेल बीबर की तरह टेल होती है. और इसके पाँव कैसे हैं देखें? इसके पाँव में इसकी फिन्स हैं, ये स्विम करते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. ये लैंड क्रिएचर है और वाटर क्रिएचर है. अच्छा जमीन पे भी होता है, पानी में भी होता है? हाँ. वाओ वाओ ठीक ठीक. तो क्या स्पेशल चीज़ें हैं और इसकी? इसके एक और स्पेशल चीज़ है कि इसका स्टमक नहीं होता. अच्छा स्टमक भी नहीं होता इसका? नहीं स्टमक नहीं होता. और ये जो हमसे सारे सेंस है अपने, ये बंद करता है और सिक्स सेंस यूज करता है. यानी कौन से सेंस बंद करता है? जो हमसे हमारे पास पांच सेंस हैं. कौन कौन? हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, टच. ये सारे बंद कर लेता है? ये सारे बंद कर लेता है. अच्छा अपने सिक्स सेंस को यूज करता है और सिक्स सेंस का नाम है इलेक्ट्रो रिसेप्शन. वाओ. और उसको यूज करके क्या करता है ये? उसको यूज करके इलेक्ट्रिक वेव्स लिविंग थिंग्स से मट्टी वाले पानी में ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कब आएगी, कैसी शेप है, क्या है. अच्छा तो उसको प्रे कर लेता है, उसको यानी हंट कर लेता है ये? हाँ अगर उसका प्रे होए तो हंट कर लेता है. अगर प्रेडेटर होए तो? प्रेडेटर होए तो भाग जाता है. अगर मेल होए तो अपना फुट अपने फुट से यूज करता है अपना वेनम. फुट से वेनम? फुट में इसके बैक फिन में क्लॉज नाखून होते लंबे लंबे और वो यूज कर लेता है. अच्छा उनमें जहर भी होता है? हाँ सांप के दांतों में वेनम होता है लेकिन इनके बैक फिन क्लॉज के में होता है. वाओ वाओ वाओ. ये वैसे इनकी बीवर की तरह टेल होती है, पानी में मारता नहीं है लॉन्ग के लिए. ये बस वैसे ही होती है. सही सही सही. तो ये कहाँ होते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में? हाँ 19th century में रेल डकबिल प्लैटिपस इंग्लैंड के साइंटिस्ट पास पे दे गए थे तो उन्होंने सोचा था कि ये फेक है. ये डक प्लैटिपस फेक है, ये किसी ने समवन प्रैंक्ड अस, इट्स अ मैजिक ट्रिक. हैं क्यों? ये उन्होंने यानी इनकी जो सारी वो वियर्ड चीजें इस वजह से उन्होंने सोचा कि वो रियल नहीं हो सकते. वाओ वाकई इट इज. अगर साइंटिस्ट को ये धोखा दे सकते हैं तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि एक चीज़ जिसका स्टमक ही नहीं है, एक मेमल जो कि बच्चों के बजाय अंडे देता है. वेरी वियर्ड यार. और सारे सेंसेस बंद करके ये शिकार कर लेता है, यही आपने बताया ना? वेरी दे कैन सेंस द मर्कीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड. मर्की क्या होता है? मर्की मतलब मिट्टी वाला. उसमें भी सेंस कर लेते हैं? हाँ. अपने सारे सेंसेस शट करके? हाँ एक सेंस यूज करके. वाह. और इसके प्रेडेटर्स क्या हैं? इसके प्रेडेटर्स जैसे ह्यूमंस, डॉग्स, वाइल्ड कैट्स, बिग ईल, बर्ड्स ऑफ प्रे. वो प्रे बर्ड जो होता है? हाँ.
प्रे बर्ड्स भी और वाटर रैट्स। वाटर रैट्स भी इसको खा जाते हैं। मछलियाँ भी खा जाती हैं इसको? मछलियाँ बड़ी बड़ी चौंकी होती हैं। चलो यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने इसके बारे में दी। क्या नाम बताया था आपने? ए डक बिल्ड प्लैटिपस। डक बिल्ड प्लैटिपस। कहा साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। आप बड़े बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल लेके आते हैं हमारे लिए। सीरियसली थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।